कमिश्नर साहब, कितनी गोलियां चलाओगे तुम? चलाओ, पर यह समझ लो कि जनता की चट्टान उनसे नहीं टूटेगी। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी और तुम असहाय होकर खड़े रह जाओगे। कमिश्नर साहब, कितनी गोलियां हैं तुम्हारे पास? यहाँ 40,000 बहादुर लोग हैं, ये सब लाशों के ढेर हो जाएंगे, पर इनमें से एक भी आदमी पीछे नहीं हटेगा। जी हाँ दोस्तों, शब्द हैं ये कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे जी के, जो उन्होंने कहे थे बागेश्वर में कुली बेगार आंदोलन के दौरान सरयू के तट पर। तो देखिए दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, जहां पर हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। देखिए, ये आर्टिकल लिया गया है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक से, जो लिखी है डॉक्टर धर्मपाल सिंह मंडाल ने। तो देख, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म की। जन्म हुआ था 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में। देखिए, थे ये कुमाऊं के, लेकिन जन्म हुआ था इनका हरिद्वार में। कारण था क्योंकि इनके पिताजी जो विनायक दत्त पांडे थे, वो एक वैद्य थे, और जो ये अपना कार्य करते थे, इनका कार्य क्षेत्र था हरिद्वार, इसीलिए इनका जन्म हरिद्वार में हुआ। देखिए, इनके भाई थे हरिदत्त भट्ट। भाई इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि जन्म के बाद सिर्फ 7 वर्ष की अवस्था में इनके माता और पिता का 1889 तक इनका देहांत हो गया था। 1889 तक इनके माता पिता का देहांत हो गया 7 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद इनके भाई हरिदत्त भट्ट ने इनका पालन पोषण किया। देखिए, इसके बाद ये कई जगह गए नौकरी की। जब इनके भाई का भी देहांत हो गया तो बाहर गए, छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन अंत में ये देहरादून आए 1910 में। 1910 में इन्होंने देहरादून में क्या किया कि जो देहरादून से अखबार निकल रहा था कॉस्मोपॉलिटन, जो अखबार देहरादून से निकलता था, उसके संपादक ये रहे 1910 से 1913 तक। पूछा जा सकता है कि कॉस्मोपॉलिटन जो अखबार है वो कहाँ से निकलता था, वो देहरादून से निकलता था। देखिए, 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक इसे बना इन्हें बनाया गया। अल्मोड़ा अखबार जो निकलता था 1870 से 71 से डिबेटिंग क्लब द्वारा ये निकाला जाता था। तो देखिए, 1913 में संपादक बने अल्मोड़ा अखबार के, लेकिन हुआ ये कि 1918 तक आते आते इनके जो लेख थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी थे। तो 1918 तक आते आते अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। उस पर जुर्माना लगाया गया था कमिश्नर लोमस द्वारा। कारण ये था कि कमिश्नर, जो डिप्टी कमिश्नर लोमस थे, उनके जो कुकृत्य थे उनको पेश किया था इन्होंने अखबार में, गज़ल के रूप में इसे लिख दिया था अखबार के होली अंक में। तो इसलिए इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि जितना जितना इस पर जुर्माना लगा था उतना दिया जाने लायक नहीं था, किसी के बस की बात वो चुकाना नहीं थी। तो देखिए, इसी के बाद इन्होंने क्या किया कि विजयदशमी जो 1918 को थी, अजय सिंह रावत की बुक में इसकी डेट है 15 अक्टूबर, जबकि परीक्षा वाणी में है 15 सितंबर। तो अजय सिंह रावत जी के हिसाब से 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन इन्होंने एक नया पत्र निकाला, नाम था शक्ति साप्ताहिक। देखिए, 1918 से 1923 तक ये शक्ति साप्ताहिक के संपादक रहे। अब बात करते हैं 1918 की। देखिए, 1918 में हुआ ये कि कुमाऊं में एक परिषद हुआ, कुमाऊं परिषद का एक अधिवेशन हुआ, हल्द्वानी अधिवेशन, जहाँ पर अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला, और ये हुआ था 1918 में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो कुली बेगार प्रथा थी कुमाऊं की, कुली उतार कुली बरदायस, तो इसके खिलाफ इसको हटाने के लिए ज्ञापन दिया गया अंग्रेज़ों को, एक नोटिस दिया गया अंग्रेज सरकार को कि अगर 1920 तक, मतलब 2 वर्ष के अंदर अगर इसे नहीं हटाया जाएगा, तो उसके बाद जनता एक उग्रवादी आंदोलन करेगी और इसे हटाएगी या इस प्रथा को तोड़ देगी। तो देखिए, इसके ठीक 2 वर्ष बाद जब ये प्रथा नहीं हटाई गई, तो 1920 में काशीपुर अधिवेशन हुआ, जहाँ पर हरगोविंद पंत अध्यक्ष रहे। तो यहाँ पर कुली बेगार आंदोलन को उग्रवादी ढंग से करने की वो मतलब जो करने का जो प्रस्ताव था वो पास किया गया। और ठीक मकर संक्रांति 1921 की कुछ ही समय बाद थी, तो इस दिन को तय किया गया कुली बेगार आंदोलन के लिए। देखिए, आंदोलन की जो जगह तय की गई थी वो था बागेश्वर, सरयू नदी के तट पर, बागनाथ मंदिर के सामने। तो यहाँ पर 13-14 जनवरी 1921 में कुली बेगार आंदोलन हुआ। देखिए, अगर बात करें कुली बेगार आंदोलन की, तो सरयू तट पर बागेश्वर में ये हुआ, जिसके नेता जो यहाँ पर प्रमुख नेता थे वो थे बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल शाह। इन तीन नेताओं ने यहाँ पर नेतृत्व किया भीड़ का। देखिए, डिप्टी कमिश्नर की बात करें हम, तो इस समय यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर था वो था डायबिल, और जो पुलिस थी उसके पास वो थी वो उसके पास थे 21 अंग्रेज और 50 भारतीय सैनिक। तो देखिए, बहुत छोटी सी फौज के साथ डायबिल यहाँ पर था, सेना के साथ, जो सिर्फ 71 उसके पास जवान थे, जबकि यहाँ पर 40,000 लोग मेले के लिए इकट्ठे हो रखे थे। तो देखिए, यहाँ पर जो बद्रीदत्त पांडे का एक स्टेटमेंट जो आता है, मतलब भीड़ को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था, कुमाऊं नौकरशाही का दुर्ग है, यहाँ नौकरशाही ने सभी को कुली बना रखा है। सबसे पहले हमें कुमाऊं के माथे से कुली कलंक हटाना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। देखिए, ये कहा था कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे ने वहाँ पर। अब बात करते हैं कि
जब विशाल जनसमूह के सामने पुलिस की ये फौज खड़ी थी तो उस पर एक लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है कि यह दृश्य संसार के जन आंदोलनों का एक अनुपम दृश्य था। सरयू के किनारे कोई 40,000 आदमी जिनके चेहरे नए जीवन के तेज से प्रदीप्त थे, रजिस्टरों को हाथ में झंडों की तरह ऊंचा उठाए खड़े थे और महात्मा गांधी की जय बोल रहे थे। दूसरे किनारे पर अंग्रेज अधिकारी ने आतंक के भूत को अंतिम सांस देने का प्रयत्न किया और सिपाहियों को निशाना साधने का आदेश दिया। अब सरयू के तट पर एक मौत थी और दूसरे पर जिंदगी, दोनों में धैर्य साहस का मैच था और बीच में सरयू अपनी लहरों के रूप में हिलोरे लेकर एक चंचल रेफरी की तरह दोनों का निरीक्षण कर रही थी। तो देखिए दोस्तों, हम बता चुके हैं कि बद्रीदत्त पांडे ने वहाँ पर क्या कहा, वो जो स्टेटमेंट हमने सबसे पहले कहा कि यहाँ पर 40,000 लोग हैं और चलाओ तुम्हारे पास कितनी गोलियाँ हैं, तो ये सुनकर डाइविल घबरा गया और उसने यहाँ पर गोली चलाने का निर्णय त्याग दिया और वो इस जगह को छोड़कर चला गया। देखिए इसी के बाद, इस आंदोलन के सफल होने के बाद सरयू में बहाए गए सारे के सारे रजिस्टर और कुली बेगार न देने की शपथ दी गई 40,500 लोगों के द्वारा। इस कारण ने यहाँ पर कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई बद्रीदत्त पांडे को। देखिए इसके बाद नायक जाति के लिए बद्रीदत्त पांडे ने काम किया। नायक जाति की जो कुरीतियाँ थी यहाँ पर, जो वैश्यावृत्ति नायक जाति में प्रचलित थी, उसको खत्म करने का प्रयास किया। 1926 में अल्मोड़ा से प्रांतीय कौंसिल में निर्वाचित हुई स्वराज दल से। देखिए और 1937 में कुमाऊं का इतिहास इन्होंने लिखा। देखिए 1937 में हुआ क्या था कि कुछ समय पहले इनके पुत्र का जो है निधन हो गया था जन्माष्टमी में गंगा में नहाते नहाते इलाहाबाद में, और ये खबर सुनकर इनकी पुत्री ने मुंबई में आत्महत्या कर ली थी। तो इस महान दुख से, इस बहुत बड़े दुख से मतलब बाहर निकलने के लिए इन्होंने जेल के अंदर, तभी जेल में थे तो जेल के अंदर एक किताब लिखनी शुरू की, वो थी कुमाऊं का इतिहास। देखिए कुमाऊं का इतिहास इन्होंने अपने दुख को काटने के लिए, मतलब अपना ध्यान हटाने के लिए लिखी थी, लेकिन बाद में ये उत्तराखंड इतिहास की एक बहुत बड़ी किताब साबित हुई। तो देखिए 1955 में लोकसभा सदस्य चुने गए। बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो 13 फरवरी 1965 को इनका देहावसान हो गया। देखिए भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक में इन्हें नरकेसरी कहा है। देखिए नरकेसरी एक अन्य व्यक्ति को कहा जाता है, वो हैं माधव सिंह भंडारी, लेकिन यहाँ पर भक्त दर्शन ने कहा है नरकेसरी बद्रीदत्त पांडे जी के लिए। और देखिए अंग्रेजों ने इनके राजनीतिक व्यक्तित्व को देखते हुए इन्हें राजनीतिक जानवर की संज्ञा दी थी। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे कुमाऊं कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे से जुड़े हुए फैक्ट। देखिए हमारे साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।